गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड? क्या आप लोग भी ऐसे संतरा पाना चाहते हैं अपने पौधों पर? तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ उसका प्रयोग आप लोग करेंगे तो आप लोग भी प्लांट पर ऐसे संतरे आएंगे। तो ये मेरा देसी वाला वेराइटी है और ऐसे ही छोटा छोटा ही होता है लेकिन बहुत ही मीठा होता है। थोड़ा सा ये छोटा है आपको देखने में लगेगा लेकिन ये संतरा है फ्रेंड, और ये सारे ब्रांच पे बहुत अच्छे से ये फल आए हुए हैं और मैं बहुत सारा तोड़ के खा भी चुकी हूँ और बहुत सारे बचे भी हैं। तो आप भी ऐसे पाना चाहते हैं तो दो ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं बताऊँगी जिसको डालने के बाद ऐसे ही आपके भी छोटे से गमले में ऐसे फल आएंगे, तो आप भी उसको डालिएगा ज़रूर। तो चलिए बताते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरा गमले की दशा बहुत बेकार हो गई है। मैं एक प्लास्टिक के टब में लगाई हूँ लेकिन ये टब पूरी तरह से टूट चुका है और मैं इसकी विशेष केयर भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये टब टूट चुका है और मैं इसकी रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ लेकिन सोच रही हूँ ये फल सारे पक जाएँ और तोड़ लूँ तब उसके बाद रिपोर्टिंग करूँगी। तो इसीलिए आप लोग इग्नोर करिएगा मैं इस टूटे फूटे गमले को देख कर, कुछ गलत कमेंट मत करिएगा प्लीज़। तो चलिए मैं आपको फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ जिसको मैं डालती हूँ तो ऐसे ही फल आते हैं। आप बिल्कुल केयर नहीं करेंगे लेकिन फल ऐसे ही आएंगे आपको। तो चलिए मैं फर्टिलाइज़र दिखा दे रही हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल, ये प्याज है और ये देख सकते हैं एलोवेरा। इन दोनों को डालने से बहुत अच्छी मात्रा में फल वगैरह आते हैं। तो समझ सकते हैं कि प्याज को डालने से प्लांट को सोडियम, पोटेशियम, फोल्टेस, विटामिन ए, सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस वगैरह सब कुछ इस मतलब संतरे को पौधे को मिल जाता है जिसके कारण भर भर के फल आता है। ये दोनों मतलब इस दोनों को मिलाकर डालने से संतरे के पौधे में भरपूर मात्रा में फल वगैरह आते हैं। और एलोवेरा जो है, एलोवेरा के तो आप हज़ारों फायदे जानते ही होंगे। इसमें विटामिन ए, सी और फॉलिक एसिड, कोलिन, विटामिन A1 होता है, B2 होता है, B3, B6 पाया जाता है। ये सब समझिए कि पौधों के लिए कि अमृत के समान होता है। इसमें विटामिन B12 वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सोडियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, इसमें सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम इत्यादि मतलब ढेर सारे इसमें पाए जाते हैं। तो इसको अगर आप डालेंगे पौधों में, संतरे के पौधा हो चाहे जो भी फल वाले पौधे हों, फूल वाले हों, जिसमें आप डालेंगे उसमें भर भर के फूल फल वगैरह आएंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे गमले की स्थिति कितनी बुरी है और इसको डालने के बाद भी इतने अच्छे से फल आते हैं। मैं बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ, बस इसको डाल देती हूँ 2 महीने 1 महीने में तो ये भरपूर मात्रा में फल वगैरह आते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो ये देख सकते हैं मैंने मिक्सर में पीस के और 2 दिन पहले इसको रख दिया था। तो ये प्याज है और एलोवेरा है, तो ये देख सकते हैं एलोवेरा है और ये थोड़ा बहुत आपको शायद दिख रहा हो, ये प्याज के छिलके वगैरह हैं। तो इसको 2 दिन तक मैं पानी में ऐसे भिगो के पीस के रखी थी, उसके बाद मैं इसको अब छानूंगी, छानने के बाद तब वो करूंगी। तो फ्रेंड मैं छन्नी लेके नहीं आई हूँ तो मैं इसी में छानने का प्रयास कर रही हूँ। चलिए देखते हैं, इसमें जो बारीक कड़ होंगे वो रख जाएंगे और छोटे वाले आ जाएंगे ऊपर। तो देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे कर लिया है। अब इसमें मैं भरपूर मात्रा में पानी वगैरह डाल दूंगी, तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने इसको भरपूर मात्रा में पानी डाल दिया। इसके बाद चलिए मैं मिट्टी की खुदाई कर लेती हूँ तब बताऊंगी इसकी कितनी मात्रा प्लांट में डालनी है। चलिए फ्रेंड, तो ऐसे इस मिट्टी की हल्के हाथों से खुदाई करेंगे क्योंकि देखिए इस गमले की जो स्थिति है मेरे, इसमें खुदाई भी करने लायक नहीं है। तो थोड़ा बहुत खुदाई करूँगी, ज़्यादा नहीं खुदाई हो पाएगी क्योंकि गमले की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। तो ऐसे खुदाई करने से ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी के भीतरी सतह तक ये फर्टिलाइज़र मैंने जो बनाया है वो पहुंच जाएगा। और आप देखिएगा बहुत जल्दी इस पौधे पर आपको मैं फिर दिखाऊंगी कि कितने जल्दी फूल वगैरह आएंगे, उसके बाद फल में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसको आप डालिए, मैं बता रही हूँ आपको गारंटी के साथ कि बहुत अच्छे से आप फूल फल वगैरह सब कुछ पाएंगे फ्रेंड। तो देख सकते हैं
तो देख सकते हैं मैंने इसकी हल्की हाथों से पूरी खुदाई कर ली है। कैमरा मेरा स्किप हो गया था, पता नहीं चला है। तो मैंने इसकी खुदाई हल्के हाथों से कर ली है, ज़्यादा गहराई खुदाई नहीं की है, क्योंकि मेरे ये जो गमले हैं ये टूटे उटे हैं, तो ज़्यादा खुदाई करूँगी तो और टूट के निकल जाएंगे, और इसकी रिपोर्टिंग करने की अभी स्थिति भी नहीं है क्योंकि इस पर फल वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने 1.5 इंच के करीब खुदाई कर ली है, उतनी ही गहराई। और खुदाई करने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी जो होती है वो थोड़ा सा जो सख्त होती है वो टूट जाती है, खुल जाती है, और फर्टिलाइज़र डालने के बाद कुछ दिनों बाद इसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है फर्टिलाइज़र डालने की। तो जब भी कोई भी खाद वगैरह डालिए तो थोड़ी सी खुदाई वगैरह ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद ही खाद डालिए। तो चलिए दिखाते हैं खाद कितना डालना है। तो ये देख सकते हैं इसमें मैं थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा इसके लिए नुकसानदायक हो जाएगी, क्योंकि जानते ही हैं प्याज में कितने सारे गुण होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की लिमिट ज़रूरी होती है। तो देखिए इसमें इतना के करीब डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, और इसमें थोड़ा सा और मैं पानी डाल दूँगी इसके उसमें। बता रही हूँ फ्रेंड, इसको आप डालिए एलोवेरा और प्याज के उसको, और पानी में मिलाकर और उसको आप डाल दीजिए, और उसके कुछ ही दिनों बाद आप देखिएगा कि भर भर के फूल वगैरह आएंगे इस पर, और उसके बाद तब फल होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप भी ऐसे फल पाना चाहते हैं तो आप इन दोनों को यूज करिए, सच बता रही हूँ गारंटी के साथ, कि भर भर के फूल वगैरह फल वगैरह पाएंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय।